हेलो फ्रेंड्स, देखें ये मेरा नया फूल खिला है। आज लगभग 4-5 दिन से ये एक एक करके खिल रहे थे, तो मैं वेट कर रही थी कि सारे खिल जाएं तो देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखें ये चार फूल का जो है ये एक बीच में से स्टॉक निकला है और उसमें ये चार फ्लावर। तो फ्रेंड्स इसका नाम जो है ये स्पाइडर लिली है। इसके देखें बिल्कुल बारीक बारीक सी पत्तियाँ और उसमें ये इस तरीके से बारीक बारीक से निकले हुए, तो स्पाइडर लिली कहते हैं इसे। फ्रेंड्स ये मैंने आपको इससे पहले भी मैंने बताया था कि मेरे पास जो है रेन लिली का फ्लावर खिला था जब मैंने उस पर वीडियो बना के डाला था, तो बराबर उसमें कंटिन्यू हर 4-5 दिन के बाद एक फूल खिलता है। हफ्ते में एक बार तो एक आ ही जाता है। और उसी तरीके से ये बल्ब थे मेरे पास, मतलब मैंने मल्टी बल्ब मंगवाए थे, ऑनलाइन बताया था मैंने, लेकिन बहुत ही उनका साइज छोटा छोटा सा था जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हुई। और मैंने जो है पिछले सितंबर, मतलब ये सितंबर मंथ अभी चल रहा है, पिछले सितंबर में मैंने इनको ग्रो किया था और फिर विंटर में मैंने इनको हटाया भी नहीं, बस इनमें हल्का सा मॉइस्चर रखती थी मिट्टी में, गमले में इसको साइड रख दिया था मैंने और ओवर वाटरिंग से बचाया था ताकि ये बल्ब जो है इसके खराब ना हो। जो ट्यूब होते हैं प्याज की तरह रहते हैं, तो अगर हम ज्यादा ओवर वाटरिंग करेंगे तो वो गल जाते हैं, तो इस मैंने इसे एक साइड रख दिया। और बहुत मिट्टी जब इसकी ड्राई हो जाती थी बिल्कुल, तब मैं इसे हल्का सा पानी दे देती थी। तो ये देखें ये है, ये रेन लिली का है। और अभी इसमें 2-3 दिन पहले देखें मैं दिखाती हूँ, ये मैंने तोड़ दिया इसे। देखें एक ये है और एक ये है, दो फूल खिले थे। तो ये बिल्कुल 1 इंच का, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि छोटा सा बल्ब था बिल्कुल। और ये देखें मदर जो इसका मेन बल्ब है ये है ना, अब इतना बड़ा हुआ है। देखें आप, अभी भी ज्यादा बड़ा नहीं है। और जब मैंने लगाया था बहुत ही छोटा सा और पतला सा था, अब थोड़ा सा ये चौड़ा भी हुआ है और थोड़ा बड़ा भी हुआ। और इतने सारे इसने जो है 5 रनर निकाले हैं इसने, और सबने एक एक करके किसी दिन किसी में, जैसा ज्यादातर ये वाला मेच्योर है और ये बीच वाला तो मदर प्लांट है और उसके बाद में एक ये तीनों जो लाइन से हैं तो इनमें फूल आ रहे हैं। अभी ये साइड वाले में नहीं आए हैं क्योंकि ये छोटे हैं अभी, और ये जो लाइन से तीनों आपको दिख रहे हैं इनमें तीनों में फूल कभी इसमें इस तरीके से आते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी मिट्टी जो है आप एकदम बिल्कुल पोरस मिट्टी बनाएं और वेल ड्रेन होनी चाहिए, पानी इसमें रुकना नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें बल्ब होता है, अगर पानी इसमें रुकेगा और मिट्टी जो है आपकी क्ले वाली होगी तो आपके बल्ब सड़ जाएंगे। तो मोरम जो बालू मिट्टी होती है वो इसमें ज़्यादा मिलाएं और इसे जो है उसमें लगाएं। और लगभग अगर बल्ब छोटे हैं तो ये मैंने 7 इंच के पॉट लिए थे, लेकिन अब ये सारे जो हैं डिवाइड, मतलब अलग अलग करने की इनको ज़रूरत है क्योंकि बल्ब काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। इनके तो ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं फ्रेंड्स, लेकिन ये जो था ये अमल लिलीज का था। देखें इसकी पत्तियाँ थोड़ी चौड़ी हैं, तो ये अमल लिलीज का था। इसने भी एक ये साइड से निकाला है एक रनर और काफी बड़ा हो गया। देखें आप गमले का शेप देख रहे होंगे कि ये जब यहाँ पे ये बड़ा हुआ है तो ये पूरा इसको इस तरीके से टेढ़ा कर दिया है। तो मुझे इस जरूरत है इनको निकालने की और निकाल के बाहर करने की, तो मैं अभी तो नहीं करूंगी, 1-2 दिन में मिट्टी रेडी कर लूँ फिर करूंगी। फिलहाल मैं आपको ये फूल दिखाने के लिए करी थी। तो आप भी अगर लगाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो अगर आपको प्लांट मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना बल्ब ये प्लांट जो है हम ढूंढते रहते हैं, हमको मिलते नहीं। तो तभी फ्रेंड्स मैंने, मेरे यहाँ नर्सरी में नहीं दिख रहे थे तो मैंने ऑनलाइन बल्ब मंगवाया था और लगाया था, लेकिन बल्ब बहुत ही एक तरीके से कह लिया जाए कि देख के लेना चाहिए, बिना देखे जो है छोटे छोटे से बल्ब वो लोग भेज देते हैं, अच्छा नहीं रहता है। तो काफ़ी टाइम लगता है, फिर हमें वेट करना पड़ता है। अब ये समझ लीजिए कि 1 साल के बाद मुझे इसमें रिजल्ट मिला है, रेन लिली में भी और इसमें भी। ठीक है फ्रेंड्स, बस अपने फ्लावर्स मुझे आपके साथ में शेयर करने थे, कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।